है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच फिरोजाबाद की टूंडला तहसील में पहुंचे फिरोजाबाद डीएम चंद्रविजय सिंह और छूट के साथ खुलने वाले बाजार में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ने पर जताई नाराजगी। जी हां, डीएम फिरोजाबाद चंद्रविजय सिंह ने टूंडला बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया और दुकानों और सड़कों पर अधिक भीड़ होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही बिना मास्क लगाकर बाजार में घूमने वालों को नसीहत देकर छोड़ा और दुकानदारों को हिदायत दी, यदि दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने सीओ टूंडला अजय चौहान और एसडीएम एकता सिंह को भी निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने एफएच मेडिकल कॉलेज में बनाए गए आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर में आने वाले प्रवासी मजदूरों की व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली। लोगों में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए पैम्पलेट्स भी वितरित किए। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज आए हैं, मौका मुआयना किया सर, क्या चेक किया सर? नीचे सर, एफएच मेडिकल कॉलेज हमारा आइसोलेशन सेंटर भी है, यहाँ पे 5 मरीज भर्ती हैं और सभी के बारे में हमने फीडबैक लिया है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल साहब है, उनसे भी बात की कि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। खाना बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है और बहुत जल्दी लोग रिकवर हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है फिरोजाबाद में लगभग 195 के आसपास लोग रिकवर हो चुके हैं और बहुत अच्छा रिकवरी रेट है हम लोगों का। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो चाहे एफएचओ, हर जगह आश्रम प्रति विद्यालय जो हमारे आइसोलेशन सेंटर में, से बहुत बड़ी संख्या में लोग रिकवर होकर निकल चुके हैं। लगभग 29 मरीज अभी हमारे एक्टिव हैं जो पिछले 2-3 दिन में अभी बढ़े हैं। और हम लोगों का पूरा फोकस है कि मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर हो चाहे आइसोलेशन हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज टूंडला में जो मार्केट में भ्रमण किया है, टूंडला में क्योंकि कोई एक्टिव केस नहीं है, उस चीज़ को लेकर छूट दी गई थी, लेकिन अभी सीओ साहब को बताया गया है कि थोड़ा छूट का लोग गलत फ़ायदा ना उठाएं, कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, उसको वो एनफोर्स कराएं। अगर बहुत ज़्यादा दुकानें पॉकेट में खुली हुई हैं तो उनको लिमिट करें, बहुत ज़्यादा बैंक खुले हुए हैं तो उनको भी रोककर जारी करें, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स है या पर्टिकुलर किसी कपड़ा मार्केट है तो उसको भी बंद करा दें, ताकि लोग बस थोड़ा चीज़ों को समझें। हमने लोगों के बीच में पैम्पलेट भी छपवा के जारी करा रहे हैं, उनको बांटे भी हैं आज, ताकि कोरोना से क्या बचाव उनको कैसे करना है ये चीज़ें भी उनको जानकारी में रहे और लोगों में एक जागरूकता फैले। उस और टूंडला स्टेशन का भी भ्रमण किया। आज रात को 2 ट्रेनें आने वाली हैं, 11 बजे आएगी और एक उससे 11:30 के आसपास आएगी, तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी एसडीएम साहब की तरफ से, वो भी चीज़ों को मुआयना किया है। वीरी सिंह इंटर कॉलेज जो यहाँ का एक क्वारंटाइन सेंटर है उसको भी देखा है, अभी वहाँ पर 2-3 लोग हैं वहाँ पर। अभी जो बच्चे वाला केस हुआ था उसके पेरेंट्स अभी यहाँ पे हैं, उनको भी हम ट्रेन बिठा के उनके गंतव्य के लिए रवाना कर देंगे और सभी व्यवस्थाएं ठीक है। और थोड़ा सा सीओ साहब को जो बताया गया वो चीज़ों को देख लेंगे तो और बेहतर। क्या सर क्वारंटाइन सेंटर के में इजाफा किया जाएगा बीरी सिंह के अलावा भी क्वारंटाइन सेंटर और बनाए? एसडीएम साहब को बताया गया है कि अगर संख्या बढ़ती है या हमारे ट्रेनों का आवाजाही लगातार है तो एक चिन्हित करके रखें, उन्होंने चिन्हित भी करके रखा हुआ है और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पे तहसील में नहीं है। सर राशन कार्ड को लेकर बहुत से रायते हैं। देखिए राशन कार्ड का मंडल लेवल से भी चेक हुआ है, कुछ गांवों में चेक किया गया था कि लोगों की यूनिट्स में गलत लोगों के नाम जुड़े हुए हैं या जो लोग गलत हैं उनके नाम उसमें जुड़ गए हैं या लोगों के नाम कट गए हैं, तो सभी उसमें जाँच भी हुई है। हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से टीमें भेज के हर तहसील लेवल पर इस चीज़ की जाँच करा रहे हैं और जो भी यहाँ पर कमियाँ होंगी उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।